हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल स्टडी पॉइंट। सो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, और जो इन्फॉर्मेशन है यह है एसएससी सीएचएसएल 2017 को लेकर के। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, एसएससी सीएचएसएल 2017 के रिजल्ट पे एक साल से स्टे लगा हुआ था। अब फाइनली एसएससी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके एसएससी सीएचएसएल 2017 का रिजल्ट जारी कर दिया है। सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट को एक्सेल स्टडी पॉइंट की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, जिनका सिलेक्शन हो गया है, जिनका नाम फाइनल कट ऑफ में आ चुका है। तो दोस्तों, इसके बाद चलते हैं एसएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। सो फ्रेंड्स, यह है एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑफ कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2017, जिसमें एसएससी सीएचएसएल 2017 को लेकर के कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसमें लिखा है कि जो टीयर टू का जो रिजल्ट था वो 10/5/2019 को जारी किया गया था, जिसमें 33,966 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे और उन्होंने स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपीयर किया था। इनमें से 21,103 कैंडिडेट जो हैं उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या किया था, अपीयर किया था। तो इसके बाद ये स्किल टेस्ट का जो कट ऑफ दी गई है, एससी के लिए 10% है, एसटी 10%, ओबीसी 10%, ईएसएम 10%, और जो अनरिजर्व है 7%। ये टाइपिंग टेस्ट की एक प्रकार से क्या आ जाती है, कट ऑफ आती है। ठीक है, तो इसके बाद हम चेक करते हैं जो फाइनली जो वैकेंसी फिल की गई है वो कितनी वैकेंसी फिल की गई है। अगर हम एलडीसी या जेएसए या जेपीए की बात करें, तो जो टोटल वैकेंसी फिल की गई है वो की गई है 2,646। ठीक है, इसमें से 355 सीट एससी, 208 एसटी और 717 ओबीसी, और ईएसएम 132, ओएच 28 और एचएस 9 और वीएच 19। तो कुल मिलाकर के 2,646 सीट, और जिसमें से अनरिजर्व जो सीट है वो 1,366 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। इसके बाद जो पीए और एसए के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी, या जो टोटल पद भरे गए वो भरे गए 3,222, जिसमें अनरिजर्व हैं 1,871। इसके बाद जो डीईओ, जिसको डाटा एंट्री ऑपरेटर कहा जाता है, इसमें मात्र 6 सीटें आ रखी थी और 6 सीटों को फिल किया गया है, जिसमें अनरिजर्व 4, एसटी 1 और ओबीसी 1। सो फ्रेंड्स, ये था आपका रिजल्ट एसएससी सीएचएसएल 2017 को लेकर के। बाकी जो पूरा पूरी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से इस पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे दिया गया है कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी कट ऑफ जा रखी है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिटेल्स ऑफ लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट टोटल, जैसे जो टोटल दे रखा है, यानी कि टोटल लास्ट कट ऑफ कितनी रही उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, टीयर टू में उस पर्टिकुलर पर्सन के कितने मार्क्स थे और टीयर वन में कितने मार्क्स थे, और उस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। तो आप एक एक करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट ये जो नोटिफिकेशन है, या जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, और वहाँ पे आप एक एक पोस्ट को चेक कर सकते हैं, या जिस भी पोस्ट के लिए आपने प्रेफरेंस रखी थी आप उस पोस्ट को चेक कर सकते हैं। तो ये पूरी लिस्ट यहाँ पे गिवन है, और ये इसके पोस्ट कोड दे रखे हैं कि जो कौन सी पोस्ट कहाँ के लिए है। तो ये पोस्ट कोड आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिली है या कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लगी होगी। सो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी या इन्फॉर्मेटिव लगी या पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।